मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। महाराज ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति का। हमारे हिंदू धर्म में ये दिन है, हमारे हिंदू धर्म में जो ये दिन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, हैं? लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए जाते हैं, एक ही भगवान शिव। देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का एक एक बार का एक एक महत्व है, उसको समझिए। माता लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया है कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है, पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें एक का सिक्का, दो का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो। वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है।